हेलो जी, कैसे हो सब? स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। देखो, आज व्लॉग लेट स्टार्ट करा। दिन में आज मैं बिजी थी, बहुत घनी क्यों बिजी थी वो आप नहीं बताऊंगी। पहले मैं बनाऊं सब्जी। सब्जी आज मैं किस चीज की बनाऊंगी आप बता देंगे। आज मैं बनाऊंगी हरे छोले की सब्जी और आलू। देखो, पहले मैंने कुकर गैस पे चढ़ा दिया है और मैं आधे लून मिर्च मसाले कर दूंगी और आप सब किसे हो। आज मैंने तुम तो एक काम कराया है, आप देखियो। आज मैंने एक काम कराया, अपने लाडू के लाडू बनाए। लाडू मतलब लाडू मतलब मेरे पास बताइया अपने लाडू बनाए हैं। अरे वो आप सोचो, बताओ कमेंट करके क्या क्या बनाए होंगे। बस आज तो सारा दिन उन मैं लाग गया। अरे मेरा है क्या हो रहा है, कति ताप का गड़ना हो रहा है। अरे रसोई पहली पड़ी है वह न्यारी। देखो यह सब्जी तो आपने बेरा सिंपल है बना है, अरे छोले वाली। इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, ये सबने बनानी हमारे, बोर नहीं करूँ आपने मैं। पर कान्हा जी की दया था, मैंने आज वो काम अपना कर लिया। ये देखो, ये मैंने बनाए हैं आज गुंड के लाडू अपने बाबा का खातर। कुछ लाडू बना दिए और कुछ भूसा रख दिया। कुछ मैंने ईसा रख दिया बिना लाडू बनाए के, कहा गया जिसका जिक्र है वो अपने उसे खा लो। मानी नहीं बोलता कि मैं लाडू खाऊंगा। अरे मेरी बेटी आती है बोली, अगर मैं मम्मी कुछ कुछ गर्म करके खा लूंगी, मैं लाडू नहीं खाऊंगी। अब न बेरा होगा कि कहा आकर हमारे बड़े बुढ़े ने कहा करते हमने हमेशा गूंद चाह के गेल खाना चाहिए। चाह के गेल वो बाई नहीं करता और दूध की गेल वो बाई कर दे है, जिससे हमारे पेट वेट में दर्द हो सके है। और आजकल के क्रेज चल रहा है कि भाई बूढ़े घेर ले हैं। बूढ़े तो मैं आपने बताऊं, बूढ़े जो हम कस को घेरा हाँ ग्राइंड करके बूढ़ा तो हमारा वेट बच गया है। और जिस में हम आटे का आटा मिलाओ हाँ उससे हमारा वेट नहीं बढ़ता और शरीर में हमारे जान आवे है। इसने मोटे पतले हर कोई खास के हैं भाई, जो डायबिटिक हैं उन ताई थोड़ा ऊसा मीठा दे दो, कम मीठा, क्योंकि खांड तो खांड की चाय भी डायबिटिक पीस कर है, इसमें खांड मिल रही है। लेकिन होश के तो अवॉइड करना चाहिए, लेकिन क्या करे के अवॉइड करे, खाना पीना जीना भी तो सही, शरीर में थोड़ी बहुत ताकत भी चाहिए। देखो मैं अपनी सब्जी कटवा आ गई हूँ। आपको कुछ होना सारी रसोई की फैली पड़ी है जो मैंने पकड़ के काम नहीं करा मैंने। और आप सब बताइए किस किस का गुण गल गया। देखो मैंने तो ना मतलब मोनी ने भी साथ दिया मेरा, वो एक उसमें गलवा है, एकला तो नहीं कर सकता आदमी, लेकिन इसी इसी तकनीक आ रही है
तो मैं अपने करके दिखाऊंगी अमीर देख ले भी गल हाँ मेरे को दूसरे आदमी की जरूरत नहीं, लेकिन उसको थोड़ी क्या है कि परेशानी हो जा रहा है, इसलिए भाई दूसरा आदमी होना चाहिए। अरे साथी वो जो तीन सक रही हूँ कि जमा ईसा हो रहा जो ताप चढ़ रहा हाथ पाँव भड़कन ला गए क्यों थके थके कर कर का कर कर हार ली पति मैं, लेकिन ठान लिया था बनाना है तो बनाना है। इन्हें अपना खान पट हो गई सबका अपना अपना अलग वो है, कोई चुकर खा कोई चुकर खा है, लेकिन एक वैदिक देखो मैं उपाजी वैद थे मसूर वैद थे वह सापले गुंड की दुकान थी, तो वो के क्या करते अब गूंद को हमेशा चाय के साथ खाना चाहिए क्योंकि वो आजमा कर दे गेल गेल दूध की गेल नहीं खाना चाहिए दूध की गेल वो बाई बना दे है, लेकिन ना मानने वाले इन बातें नहीं मानते। कई कई जने दूध की गेल गुड़ भी खावे हैं, लेकिन दूध और गुड़ की तासीर अलग वो है। आप कदे भी गुड़ वाली चाय बनाई हो तो गर्म दूध में आप गुड़े गेर दे हाँ गुड़ की चाय में दूध गेर दे हाँ तो दूध हमारा फट गया है। हाँ लस्सी की गेल गुड़ खाना चाहिए वो ठीक रहे है, लेकिन आयुर्वेद ने कोई जानता है नहीं सब लोग कह रहे हैं भाई अपने बदान के मारे इसी सलाह दे रहे हैं, लेकिन यह इसी कोई बात नहीं है। कुछ चीज़ आयुर्वेद में गलत हैं तो शायद वह गलत है शायद के हैं भाई, इसलिए आप मेरी सलाह मानो तो गूंद ने चाय की गेल खाइयो आजमा करेगा और आपने कैसा लगेगा बताइयो मैंने बस। ना उनकी गालन की तकलीफ तो सब की एक सी हो सब नवेरा के ऊपर गालियाँ कर दूसरा कोई हो तो उसमें गूंद रगड़ते हैं लोटे लाटा थे। देखो हमने तो रगड़ा है मिक्सी में सारे ताल मखाने और ये सब के मिक्सी में रगड़ दिया और एक फाइन मतलब तो दरदरा पीस के अरे दिया, लेकिन मैं बढ़िया देखो चेक तो मैंने कराया नहीं है पर मैंने आप ती उस व्लॉग में ही बताया था जब मेरा बेटा ने कह देखा कि यह चीज़ बढ़िया बन रही है तो वह मेरे लिए बढ़िया बन रही है, फिर चाहे वो किसी ने पसंद आओ या ना आओ। लेकिन आप सब भी कहीं से हैं जिनको टाइम नहीं है और वह चीज़ बनानी है तो हम उसी का यूज कर सकता हूँ गूंद पीस ले वो उसमें ड्राई फ्रूट वगैरह पीस ले। आजकल एक क्रेज और चल रहा है कि सब मतलब फ्राई करते हैं इन, लेकिन आपने एक बात का निबेरा होगा फ्राई करे तो सारे ड्राई फ्रूट कड़वे हो जाए, इसलिए कोशिश करो पकने वगैरह मान लें उन्हें सेकना है तो जैसे जब माटा है आटा भुना हाँ अलवे की तरिया घी में और तो वो गरम गरम हम उन पकेरेंगे ना और तो वह उसमें सिक जा है। देखो मैंने दोनों में गाला है अगर भाई पहला ड्राई फ्रूट सारे मिक्सी में पीस लिए फिर ताल मखाने तो मैंने तड़वाए थे और वह तड़के फिर मिक्सी में फ्राई करके ना उसमें ग्राइंड करके और फिर परात में फैला दिए फिर आटे में घी मिलाकर आटा भून दिया जो करवा बनाया करें और न्यू फिर वो उसके ऊपर फैलाया तो मतलब हलवा चम्मच तो मिला दिया तो इस उस पर फिर वो है ना मतलब उनके ऊपर जाए या हम वो करा हाँ मिलावा हाँ और तो फिर वो सीख जाए तो सारी चीज तो इसी कोई खास दिक्कत ना आती। हाँ बस न्यू है मेरा तो थकान सी हो रही है क्योंकि खड़े खड़े घनाए टाइम लग गया फिर मगर काम ना बाहर करा फिर उनके लड्डू भी बना दिए यार मैंने अपने फिर बेटी ताई यहाँ तो वैसे गाल दिया अरे बेटा
पानी पी लो गाइस। बेटा बोला मम्मी लाडू बना दे, चलो लाडू बनाओगे। यो गल है थोड़े ही का, दूसरा फिर खा लेंगे, किसी ने बालक खा लेंगे। जब ये सब न मेरी जय श्री कृष्णा।